पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कलेक्ट्रेट में तैनात कर्मचारी प्रमोद सक्सेना को डीएम अवय सिंह ने शनिवार को खास विदाई दी। फेयरवेल पार्टी के बाद डीएम अवय सिंह ने रिटायर कर्मचारी को न सिर्फ गले लगाया बल्कि भविष्य की शुभकामना देते हुए अपनी सरकारी इनोवा में कलेक्ट्रेट से घर के लिए रवाना किया। सम्मानजनक विदाई देख कर्मचारी की आंखों भी नम हो गईं। अब तक फेयरवेल पार्टी के बाद सरकारी मुलाजिम अपने वाहनों से ही घर के लिए रुखसत होते रहे हैं। ये पहला मौका है जब रिटायर कर्मचारी को डीएम की सरकारी कार में घर भेजा गया। इतना ही नहीं, कर्मचारी को घर भेजने के बाद डीएम दूसरे वाहन में सरकारी आवास के लिए रवाना हुए। अभय सिंह डीएम बुलंदशहर ने बताया कि कर्मचारी को डीएम की कार से भेजने के पीछे मंशा कर्मचारियों का हौसला बढ़ाना है। प्रमोद सक्सेना का कार्यकाल बेहद शानदार रहा, बहुत अच्छा लग रहा है और ये लग रहा है कि मुझे इतना सम्मान दिया गया है जिसके लायक मैं था नहीं, लेकिन फिर भी मुझे इतना सम्मान मिला है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। क्या कहना चाहेंगे जिलाधिकारी के लिए? इससे बढ़िया जिलाधिकारी या इतना सोशल जिलाधिकारी होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें यही हमारे यहाँ पर एक आज श्री प्रमोद जी ईडीएम जी न्यायालय के यहाँ पेशकार थे, वो रिटायर हुए हैं। उनके रिटायरमेंट के बाद आज जो रिटायरमेंट का हम लोगों का होता है, इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी के सभी हमारे जितने भी कलेक्ट्रेट कर्मी हैं बाकी हैं उनको रिटायरमेंट पे सारी उनकी एक तो बेनिफिट दिया जा सके, और दूसरा साथ ही साथ हम लोग ये करा रहे हैं कि इसमें एक टोकन के लिए, क्योंकि एक सम्मानित जगह से वो रिटायर हुए हैं, हमारे परिवार के हैं, रहेंगे भी, तो हम एक गुड विशेष के लिए पूरे जिला प्रशासन के पास।